A family's outing at McDonald's turned into horror when they found a deep-fried lizard in a serving of French fries at one of the outlets in Kolkata. Giving details, victim Priyanka Moitra said she became sick and started vomiting after seeing the lizard as she is pregnant and stressed that no official was even ready to take the responsibility and had a careless attitude. Tuesday morning, my 4-year-old daughter and my mom तीनों मिलके ब्रेकफास्ट खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स गए थे मनी स्क्वायर वाला तो उसमें जाके हम बर्गर फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल ऑर्डर दिए इसके बाद जब सर्व किया फ्रेंच फ्राई खा रहे थे सडनली उसमें एक पक्का तला हुआ लिजर्ड था तो देख के तो फर्स्ट रिएक्शन वैक एंड माय गॉड लिजर्ड वॉमिटिंग शुरू हो गया वॉमिटिंग शुरू हो गया फिर हम वॉशरूम गए वॉमिट करने लगे आके देखा बच्चे तब नहीं खाए थे क्योंकि टॉय लेकर खेल रहे थे मेरी मम्मी ने मतलब हमने बुलाया सबको वो जहाँ जो सब मैकडॉनल्ड्स वाला जो तब था इसमें तो बुलाया वो लोग बोला कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था ठीक है मतलब ये कोई मामूली चीज है जो कैजुअल था बहुत कोई ये नहीं क्या हम लोग मैंने बोला जब बच्चे खाते तब क्या होता और मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ अगर हम खा लेते फिर क्या होता तो ठीक है आप बात करो ये एरिया सेल्स मैनेजर से बात करो ये करो वो करो ये सब बोल के पूरा टाल रहे थे तो मेरा मम्मी ने बोला ठीक है चलो हम लोग FIR करते हैं पुलिस में जाके और कंज्यूमर फोरम में भी जाते हैं फिर भी उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था मतलब ठीक इतना निग्लिजेंसी कर रहे थे पूरा ये लेकर फिर हम लोग शाम को हमने FIR दर्ज किया फुलबागन थाना में तो उन लोगों ने फिर से पुलिस लेके हम मैकडॉनल्ड्स गए तो दो एरिया सेल्स मैनेजर और एक था उसको लेकर थाना आए बातचीत हुआ हम लोग मैकडॉनल्ड्स से हम लोग को फोन किया दिल्ली से भी दिल्ली हेड ऑफिस से भी फोन कर रहा था कोई हम बीच में शॉर्ट आउट करने के लिए हमने बोला नहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम लोग बोले नहीं मुझे कंज्यूमर फोरम जाना है क्योंकि ये बात सबको बताना है क्योंकि इतना बड़ा चेन है इतना वर्ल्ड वाइड जिसका इतना बड़ा ये है सबको बच्चे लोग खाते हैं तो इसको सबको पहचाना बहुत जरूरी है The victim took a picture of the lizard in the food and filed an FIR at the Phulbagan police station against the outlet.